सड़कों पर बेतरतीब तरीके से ऑटो खड़े करने से लगने वाले जाम को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ बल्लभगढ़ सिटी थाने में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिटी थाने के SHO सुदीप कुमार की माने तो पहले सभी ऑटो चालकों को समझाया गया था कि सड़कों पर इधर उधर ऑटो खड़ा ना करें, जहां ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं वहीं पर उन्हें खड़ा करें और वहीं से सवारियों को बिठाने और उतारने का काम करें। लेकिन बावजूद इसके ऑटो चालक मनमाने तरीके से जगह जगह सड़कों पर कहीं भी ऑटो खड़ा कर रहे थे। इसकी वजह से जाम की समस्या बनी हुई थी। ऑटो के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। ऑटो जो चालक हैं जो रोड के ऊपर अपने ऑटो पार्क कर देते हैं, जिनको बार बार पहले समझाया भी गया है कि रोड का जो ट्रैफिक है उसके अंदर डिस्टर्बेंस ये ना करें, और उनकी मीटिंग लेके उनको उनके प्रॉपर उनके स्टैंड के बारे में भी उनको बतलाया गया, और उसके बाद भी ये लोग अपने रोड के ऊपर अपने ऑटो लगा देते हैं सवारियों के लिए, जिनके चालान भी ट्रैफिक के किए जा रहे हैं और ये नहीं मान रहे बार बार, तो उनके खिलाफ IPC के सेक्शन 283 IPC के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। और जो भी अगर ऑटो चालक मेन रोड के ऊपर बीच में लगा के सवारी बिठाएगा और ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा, तो उनके अगेंस्ट आगे भी कार्रवाई इस तरह से चल सकती है। कितने ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है पिछले दो दिनों से? कम से कम 14-15 हमने अभियोग अंकित 283 IPC के किए हैं ऑटो चालकों के खिलाफ, और आपके माध्यम से भी मैं सभी ऑटो चालकों को ये निर्देश भी देना चाहता हूँ। बहरहाल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ऑटो चालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस ऑटो चालकों को नसीहत भी दे रही है कि गलत तरीके से सड़कों पर ऑटो खड़ा करना बंद कर दें, वरना आगे भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।